आज हम बनाएंगे करेले और प्याज की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं करेले और प्याज की सब्जी बनाना। करेले और प्याज की सब्जी बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिए हैं 500 ग्राम करेले लिए हैं और दो जहां पर हमने बड़े साइज़ के जो प्याज लिए हैं। तो सबसे पहले हम करेलों को अच्छी तरह से छील लेंगे। छीलर से हम इसका जो ऊपर वाला छिलका है उसको अच्छी तरह से हमने निकाल देना है, क्योंकि जब इनसे जो करेले हैं कड़वे बनते हैं। तो हम करेलों को, छीले हुए करेलों को दोनों किनारे जो हैं वो काट देंगे। इसी तरह हमने सभी करेलों के जो किनारे हैं वो काट देने हैं। तो अब हम जो करेले की सब्जी बना रही हूँ उसके लिए मैं आज जो करेले हैं लंबे लंबे पीसेस में काट कर तैयार करेंगे। जो बीज पका होगा वो हम निकाल देंगे। तो अब हम करेले पीस करेंगे। इसके बीज जो है पके हुए हैं, अब इसे हम साथ में ही निकाल देंगे। लीजिए, हमने सभी करेलों से जो पके हुए बीज थे वो निकाल लिए हैं। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, इसमें हम डालेंगे ये वाले करेले। जो तो करेलों की सब्जी कड़वी ना बने तो इसके लिए हम यहाँ पर डालेंगे 1/2 टीस्पून। यहाँ पर हम डालेंगे नमक और 1/4 टीस्पून यहाँ पर हम डालेंगे हल्दी पाउडर। अब इनको हम अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करेंगे ताकि जो करेलों में कड़वाहट है वो निकल जाए। तो लीजिए, 10 मिनट हो चुके हैं करेलों को ढककर रखे हुए। करेलों में कितना मॉइस्चर है, पानी आज छोड़ दिया है। अब इनको हम अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे हाथों से दबाकर। तो आप देख सकते हैं कितना ने पानी छोड़ दिया है। तो देखिए करेलों ने कितना पानी छोड़ दिया है। तो जहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हमने 3 बड़े चम्मच जो है सरसों का ऑयल लिया है। जब भी आप करेले की कोई भी सूखी सब्जी बनाएं तो सरसों के ऑयल में ही बनाएं, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। तो अब हमने इस ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। तो लीजिए, हमने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करके हल्का सा ठंडा कर लिया है। अब इसमें हमने जो करेले रखे थे काट कर वो डाल देंगे। इनको अच्छी तरह से फैला देंगे ऑयल में और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इनको हम फ्राई करेंगे। तो लीजिए, हमने लगातार इनको हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है इन करेलों को। और करेले जो हैं हमारे अच्छी तरह से करेले जो हैं फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे प्लेट में। हमने उसी ऑयल में, ऑयल ऑलरेडी हमारा गर्म था, इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच साबुत जीरा, एक मीडियम साइज का प्याज जिसको हमने बारीक काट कर लिया है वो डाल देंगे। और प्याज को हमने अच लेना है। ये हमारे प्याज जो है हल्के भून चुके हैं, हल्के से गोल्डन कलर के हो चुके हैं। अब जहाँ पर हम डालेंगे जो हमने डाइस कर कर लिए थे प्याज वो डाल देंगे। और साथ में हम डालेंगे 2 हरी मिर्च जिसको हमने लंबाई में काट कर लिया है। देखने में भी अच्छी लगती है और इसका जो फ्लेवर है वो सब्जी में आ जाएगा। अब हम जहाँ पर डालेंगे मसाले, जहाँ पर हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून जहाँ पर हम लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, 1/2 टीस्पून यहाँ पर हम हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून यहाँ पर हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। और यहाँ पर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। ध्यान से नमक डालना, नमक हमने पहले भी डाला था करेलों में। जहाँ पर हम डालेंगे 1 टीस्पून यहाँ पर हम डालेंगे धनिया पाउडर। पर हमने गरगरा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे। उन सभी मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना। मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करके मसालों को भून लेना है।
फ्राई कर कर रखे थे करेले वो डाल देंगे, मिक्स करेंगे। तो करेले डालकर हमने इनको 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। तो देखिए हमारी करेले और प्याज की सब्जी बनकर है। तो अब हम जहाँ पर डालेंगे 1 टीस्पून जहाँ पर हम डाल रहे हैं ना, अगर आपके पास अनारदाना है तो आप जहाँ पर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आमचूर भी नहीं है तो जहाँ पर हम आप डाल सकते हैं नींबू का रस थोड़ा सी खटाई लाने के लिए। इससे क्या हुआ कि करेलों में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, चटपटे जो हमारे करेले बनकर तैयार होंगे। तो जहाँ पर हम गैस की फ्लेम कर देंगे बंद, तो लीजिए हमारी करेले और प्याज की सब्जी चटपटी बनकर बिल तैयार है। प्याज की सब्जी चटपटी बनकर बिल तैयार है। तो देखिए बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं है, बिल्कुल ड्राई सब्जी बनकर हमारी करेले और प्याज की तैयार हुई है। तो लीजिए हमारी करेले और प्याज की चटपटी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है, और देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनकर सब्जी तैयार हुई है। और बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे इस तरह की नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।